नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 8.1 को समझा, 8.2 को समझा। आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 और 8.3 का सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि निम्नलिखित सर्वसमकाएं सिद्ध कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ सर्वसमकाएं दी गई हैं, हमें एक एक सर्वसमका को सिद्ध करना है। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा के। ये एक सर्वसमका दी गई है, इस सर्वसमका को हमें सिद्ध करना है। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी सर्वसमका की बात की जाए तो उसमें दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। दो पक्ष में से किसी एक पक्ष को लेके हमें दूसरे पक्ष के बराबर करके दिखाना होता है, जिसे हम कहते हैं सिद्ध करना। यहाँ वैसा ही कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे हमें दो पक्ष दिए हैं, एक पक्ष हमारा लेफ्ट यानी कि एल एच एस और दूसरा पक्ष होता है आर एच एस। इस क्वेश्चन में या तो हम एल एच एस को लेके आर एच एस बनाएंगे या आर एच एस को लेके एल एच एस बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्लास 10th में जितनी भी सर्वसमकाएं हैं, ज़्यादातर सर्वसमकाओं में हमें एल एच एस को लेके ही सॉल्व करना है। उसके बाद एक बात और याद रखनी है कि जब भी हम किसी सर्वसमका को सिद्ध करेंगे तो उसमें साइन और कॉस के अलावा जिस भी पद का यूज किया जाएगा उस पद को पहले हम साइन और कॉस में बदलेंगे, इसके बाद उसे साधारण तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहली सर्वसमका के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हो कि कॉसेक और कॉट का यूज किया गया है, तो पहले हम कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को साइन के पदों में व्यक्त करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने आपको कंप्लीट फॉर्मूले जो है वो पढ़ा रखे हैं, तो आप उस शॉर्ट वीडियो को जरूर देखें ताकि यहाँ यूज होने वाले हर एक फॉर्मूले को आप बेहतर तरीके से समझ सके। कॉसिक थीटा बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइड में जो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं हम उन सब फॉर्मूले को लिखते भी जाएंगे, तो आप भी नोट करते जाइएगा बेटा। यहाँ पे हमने कॉसिक थीटा इज इक्वल 1 बाय साइन थीटा और इसके साथ साथ कॉट थीटा इज इक्वल कॉसेक थीटा बटे साइन थीटा का यूज किया है, समझ जाएंगे। यहाँ पे बेटा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर को अलग अलग करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बेटा पहली सर्वसमका के माध्यम से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा जैसा है वैसे ही लिख दिया, और इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा एक बार और इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा दूसरी बार, क्योंकि इसकी पावर 2 है
तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं। और बटे में आप देख सकते हो ध्यान से कि यहाँ पे जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, a प्लस बी एंड a माइनस बी। और यहाँ पे कौन सा यूज किया है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जरूर सीखिएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस थीटा एंड वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस से वन माइनस कॉस कैंसल हो जाएगा, फाइनली बेटा वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय वन प्लस कॉस थीटा, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हम इस सर्वसमता को सिद्ध कर सकते हैं। यदि वीडियो आपके समझ में आ रहा है, आप चीज़ें सीख रहे हैं, तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो में लास्ट तक जरूर बनिए। इसके बाद देखते हैं सेकंड सर्वसमता क्या है। अब समझते हैं सेकंड सर्वसमता क्या है। सेकंड सर्वसमता में दिया हुआ है कि कॉस ए बटे वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर टू सेक ए, हमें जो है वो सिद्ध करना है। तो वही प्रोसेस है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो इसको लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस ए बटे वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हर पद जो है वो साइन और कॉस में पहले से ही हमें दिया गया है, यहाँ पे बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें बीजगणितीय माध्यम से इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा बेटा, तो सबसे पहले हम नीचे से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम वन प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बेटा वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कटेगा, क्या बचेगा कॉस ए, और कॉस ए का कॉस ए से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, बेटा कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए का वन प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए की जगह पे कितना रखना है a और b की जगह पे कितना रखना है साइन a। फॉर्मूला लगाएंगे बेटा तो कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a प्लस वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर एक, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस टू इंटू ए का मतलब एक और बी का मतलब हो गया साइन ए बटे वन प्लस साइन ए और इंटू में हो जाएगा हमारा कॉस ए। और यहां पे देख पा रहे हो कि बेटा इसका थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे तो साइन स्क्वायर ए को हमने पहले लिखा, क्यों कर रहे हैं ऐसा जे भी बता रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बेटा एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एक मिलेगा। देख पा रहे हो कि एक का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा एक, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू साइन ए बटे वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बेटा एक सर्वसमता हमने पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है एक, तो इसकी जगह पे हमें एक रखना है, मतलब क्या हो जाएगा वन प्लस टू साइन ए बटे वन प्लस
साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे बेटा वन और वन को ऐड करेंगे तो दो प्लस दो साइन ए बटे वन प्लस साइन ए और इंटू में क्या रहेगा कॉस ए। यहाँ से बेटा दो को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, दो कॉमन आ गया तो यहाँ पे वन बचेगा और यहाँ पे साइन ए और बटे वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बेटा वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कट गया, दो बटे क्या बचेगा कॉस ए, और इसको हम लिख सकते हैं दो गुणे एक बटे कॉस ए और बेटा वन अपॉन कॉस ए, वन अपॉन कॉस ए इज इक्वल क्या हो जाएगा सेक ए, और सेक ए को यहाँ पे पुट अप करेंगे सो टू सेक ए, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हम सेकेंड सर्वसमका को भी सिद्ध कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, चीज़ें काफ़ी सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसके बाद देखते हैं तीसरी सर्वसमका क्या। तीसरी सर्वसमका है टेन थीटा बटे वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे वन माइनस टेन थीटा बराबर वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा को हमें सिद्ध करना है। वही प्रोसेस है, सबसे पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टेन थीटा बटे वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे वन माइनस टेन थीटा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कोई भी पद हमारा साइन और कॉस के पदों में नहीं है, तो सबसे पहले हम कॉस और साइन के पदों में इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे टेन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इस पूरे के बटे में जो है वो वन माइनस कॉट की जगह पे क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पे वन माइनस टेन की जगह पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पे इसकी बटे में एक मान के और हमें इसको सॉल्व करना है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे थोड़ा हम शॉर्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बेटा ऊपर जैसा लिखा है हमने वैसे ही लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और नीचे जब साइन को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इस पूरे के बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या किया, दोनों के बटे से कॉस को एलसीएम लिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको पलटाएंगे बेटा तो क्या मिलेगा हमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉस ऊपर पहुँच जाएगा तो कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देख लो साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जी माइनस है बेटा, और प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देख पा रहे हो कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है,
तो इसको हम जब बदलेंगे तो जे वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाता और माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जे प्लस से हो गया माइनस का, तो जे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और जे पलट जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों पलटता है तो इसके भी कई एग्जांपल हैं, आसानी से समझ सकते हो। इसके बाद देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये दोनों सेम है तो साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बेटा कॉस से कॉस कट गया और ये पूरा कट जाएगा, साइन बचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा माइनस साइन से साइन कट गया और जे कट गया, कॉस बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है ए स्क्वायर सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए की जगह पे कितना रखेंगे साइन और बी की जगह पे कितना रखेंगे कॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बेटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक, तो हमने एक रख दिया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अलग अलग करेंगे बेटा तो वन प्लस, यानी कि वन के बटे में भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कट गया बेटा, इसको सेपरेट करेंगे तो वन बाय कॉस थीटा इंटू वन बाय साइन थीटा प्लस वन, वन बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू वन बाय साइन थीटा क्या होता है कॉसिक थीटा प्लस वन। अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, राइट हैंड साइड, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।